Assalamualaikum dear students, my name is Mohammad Daud. पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ था कि हम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर के लिए किस तरह कैलकुलेशन करेंगे, और साथ में उससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान अगर एनर्जी डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना हो तो उसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। ये जो टॉपिक्स है इनसे रिलेटेड जो है मोस्टली आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड दो चार एमसीक्यूज वो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट स्टार्ट। पहला जो एमसीक्यू है वो है कि व्हाट विल बी द वेव नंबर ऑफ अ रेडिएशन विद वेवलेंथ इक्वल टू 2×10⁸ नैनोमीटर। अब वेवलेंथ की वैल्यू हमें दी गई है और क्या पूछते हैं, वेव नंबर पूछते हैं। ऑप्शन है 0.5×10⁻¹ पर नैनोमीटर, 500 पर नैनोमीटर, 5 पर नैनोमीटर और 100 पर नैनोमीटर। जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ था कि वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ 1/λ, वेव नंबर इक्वल टू 1/λ, या लैम्डा की वैल्यू हमें दी गई है 2×10⁸ न्यूटन मीटर। तो लैम्डा को हम लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पर आप लोग पुट करें, इसको सॉल्व करें तो 1/2 से आ जाएगा 0.5×10⁸, ये 8 है तो ऊपर चल के -8 बन जाएगा, और यहाँ पर इसके साथ नैनोमीटर है तो ये पर नैनोमीटर बन जाएगा। इस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या बोलते हैं कि इफ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस्ड टू हाफ द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग्स कांस्टेंट बिकम्स हाफ, बिकम्स डबल, रिमेंस अनचेंज्ड, नन ऑफ दीज। रेडबर्ग कांस्टेंट जो है ये क्या चीज है, हमने पिछली वीडियो में इसको डिस्कस किया हुआ था कि रेडबर्ग कांस्टेंट को हम आर से डिनोट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू एम ई पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच पावर 3 और सी इसके बराबर है, और इसको हमने कैलकुलेट किया हुआ था। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि ये कहां से आ रहा है, वीडियो में हमने डिटेल से इस चीज को पढ़ा हुआ था। लेट्स कम टू द पॉइंट। पॉइंट क्या है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम हाफ करते हैं तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस रिलेशनशिप से हमें पता चलता है कि रेडबर्ग कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। यहां पर देखिए आप मास ऊपर है, मतलब ये है कि अगर मास को आप हाफ करेंगे तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। समझ में आ रही है ये बात? तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट हो जाएगा। अगर मास को आप डबल करते हैं तो रेडबर्ग कांस्टेंट डबल, 3 times करते हैं 3 times, हाफ करते हैं तो हाफ होगा। ये चीज आप नोट कर ले, अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट इज, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 6×10⁴ हर्ट्ज, इट्स वेवलेंथ इज, फ्रीक्वेंसी दी गई है, वेवलेंथ पूछते हैं। मतलब हमने ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप हो। ऑप्शन है 5 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, 50 नैनोमीटर। अब देखिए जिस तरह हमें पता है कि वेवलेंथ इक्वल टू सी बाई न्यू, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, इट्स वैल्यू इज 3×10⁸, और न्यू क्या चीज है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू हमें दी गई है 6×10⁴, इसको आप सॉल्व करें आपके पास आंसर आ जाएगा 500 नैनोमीटर। इस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम 3rd to 1st शेल। अब अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में आता है हाइड्रोजन एटम में तो कितनी एनर्जी लॉस्ट होती है। यहाँ पर बेटा मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में ये कन्फ्यूजन होती है कि सर हाइड्रोजन एटम में तो एक ही शेल है, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और किस तरह थर्ड शेल से पहले में आता है या फोर्थ से पहले में
इलेक्ट्रॉन वापस आ सकता है उसमें, तो चौथा शेल है ही नहीं। तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन है एक शेल में, पहले शेल में, इसको अगर एनर्जी मिल जाए तो ये हायर लेवल में जा सकता है, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, फोर्थ शेल में जाता है, मतलब एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है। और अगर थर्ड शेल से फर्स्ट में आ रहा है, मतलब ये कि थर्ड शेल में पहले ये एक्साइट हो चुका है, अभी वापस जो है ये फर्स्ट शेल में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी यही बात है कि थर्ड शेल में अगर ये एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है और वापस फर्स्ट शेल में आ रहा है तो कितनी एनर्जी जो है वो लास्ट होगी। अब अगर हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है तो डेफिनेटली एनर्जी लॉस होगी, अगर लोअर से हायर में जाता है तो डेफिनेटली एनर्जी जो है वो गेन होगी। तो इसी लिहाज से हमें पता है, हमें ऑप्शन दी गई है 13.31 1/1 -1/3 अब हमें दी गई है थर्ड शेल और फर्स्ट शेल। अब N1 क्या होगा? जो लोअर शेल होगा, एनी लोअर ऑर्बिट जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ था। तो N1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और N2 क्या होगा? जो हायर ऑर्बिट है, तो इस केस में हायर ऑर्बिट थर्ड है, तो N2 3 है। और एनर्जी के लिए जो डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस के लिए बेसिकली ये डेल्टा ई है, डेल्टा ई यहाँ पर, तो डेल्टा भी साथ में। तो उसके लिए हमने इक्वेशन निकाला था, वो था 13.31 1/N1² - 1/N2². अब अगर इसमें हम वैल्यूज पुट करें तो N1 की जगह 1² तो 1 है, और N2 की जगह जो है इसके साथ ये N2² तो N2 हमारे पास क्या है, N2 हमारे पास है वो 3 है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन, इसको मैं चेंज करता हूँ, 3² लिखता हूँ, 3² सिमिलरली इस पर भी स्क्वायर लिखूंगा, इस पर भी स्क्वायर, ताकि हमारा ऑप्शन आंसर करेक्ट आ जाए। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस लिहाज से वो करेक्ट हो जाएगा, 1/N1² और 1/N2² ये वाला। अक्सर इसमें कंफ्यूजन रहती है, माइनस साइन जो है आपने नहीं लिखना, क्योंकि एनर्जी को अगर हम मालूम करते हैं तो उस केस में हम माइनस साइन जो है वो यूज करते हैं, लेकिन अगर एनर्जी डिफरेंस को हम मालूम करते हैं उस केस में माइनस इसके साथ नहीं होगा जो हमने कैलकुलेट किया हुआ था। ओके, इस तरह का क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कैलकुलेट द वेव नंबर एंड वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फोर्थ टू फर्स्ट शेल। अब इस केस में फर्स्ट शेल जो N1 जो है वो 1 है, N2 जो है वो 4 है। अगर इस तरह पूछा जाए कि 4 टू सेकंड शेल, तो फिर N1 आपका 2 हो जाएगा, N2 आपका 4 ही रहेगा। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि वेव नंबर को अगर हम मालूम करते हैं, इट इज इक्वल टू रेट पर कांस्टेंट 1/N1² - 1/N2² और इसी इक्वेशन से हम क्या मालूम करेंगे, वेव नंबर मालूम करेंगे। और वेव नंबर जिस तरह हमें पता है वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है, तो वेवलेंथ हम फिर यहां पर हमने जब वेव नंबर जो है वो मालूम किया, उससे हम वेवलेंथ को भी मालूम कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।